नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ आभा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य बीते दो वर्षों से बिहार को नहीं मिला है। इस अवधि में राज्य भर में लगभग 13 लाख आवास निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन लाभुकों के आवास निर्माण की आस अब जगी है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ग्रामीण विकास विभाग से लगभग 2,50,000 की संख्या में आवास निर्माण की हरी झंडी मिली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य बीते दो वर्षों से बिहार को नहीं मिला है और 13 लाख लाभार्थी अब भी आवास मिलने की प्रतीक्षा में हैं। लेकिन अब इन लाभुकों के आवास निर्माण की आस अब जगी है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में 2.5 लाख ग्रामीणों को आवास मिलने की संभावना है। इसी लेकर ग्रामीण विकास विभाग अधिकारियों ने राज्य के सभी DDC और DPO के साथ समीक्षा बैठक की है। इससे पहले वह केंद्र ग्रामीण मंत्री से भी मिल चुके थे। केंद्र ग्रामीण मंत्री से मिलते हुए राज्य को लक्ष्य नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या से अवगत कराया था। इस पर केंद्र मंत्री ने विचार का आश्वासन भी दिया था। वहीं राज्य के ग्रामीण सचिव ने भी केंद्र ग्रामीण सचिव के पत्राचार कर लक्ष्य की मांग की थी। दोनों स्तरों से वार्ता के बाद अब 2.5 लाख लक्ष्य मिलने की स्वीकृति मिली है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कागजी प्रक्रिया पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। शेष आवासों का राज्य के पैसे से होगा निर्माण। 2.5 लाख के अलावा शेष आवासों को निर्माण राज्य योजना से कराने का विचार किया जाएगा। बीते दिनों ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री श्रवण कुमार ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य शेष बचे लाभुकों का आवास निर्माण राज्य के पैसे से कराने का निर्णय लिया जा सकता है।